thank you असलम मई यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब लोग गुमी सब ठीक होगा अल्लाह का शुक्र हम सब ठीक हैं आज मैं जो वीडियो क्लिप्स आप लोगों के साथ थोड़े शेयर कर रही हूँ ये हम लोगों ने घर में सताईसवीं का खत्म दिलवाया था मेरे फादर इन लॉ ने तो यहाँ पे देगे वगैरह बन रही है जिसमें कोरमा बन रहा है पुलाव बन रहा है साथ ही जरदा बन रहा है अल्लाह ताला कबूल फरमाए तो बस यहाँ पे जो तैयारी वगैरह हो रही थी मैंने कहा चले लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ ये जितने भी ख़त्म के जो क्लिप्स हैं ना ये सारे अहमद ने रिकॉर्ड किए मुझे कह रहा था मामा आप मुझे अपना फ़ोन दे मैं आपके लिए ना छोटे छोटे क्लिप्स बना लेता हूँ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ तो फिर मैंने मना नहीं किया मैंने कहा चलो ठीक है लेकिन अच्छे से बना लेना तो देखिए कितने अच्छे क्लिप्स उसने बनाए हर चीज़ छोटी छोटी जो चीज़ें ना उसने सारी रिकॉर्ड की हैं और जो स्टार्ट में मैंने आपको क्लिप्स दिखाई ना ये भागा भागा ऊपर आता था मामा आप जल्दी से मुझे फ़ोन दे दे वो चिकन डालने लगे वो ये करने लगे इतना ज़्यादा वो भी खुद भी इन्जॉय कर रहा था मुझे भी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि ये कर क्या रहा है छोटी छोटी चीज़ें जो थी ना उसके क्लिप्स लेने की ट्राई कर रहा था कि मैं किसी ना किसी तरह छोटे मोटे क्लिप्स ले लूँ मामा के लिए तो हर चीज़ उसने रिकॉर्ड की है तो बहुत ही हैप्पी हो रहा था कि मामा मैंने आज आपकी कितनी हेल्प कर दी है और मैंने अपनी तरफ से जूस के कार्टन दिए थे दो जूस के कार्टन दिए थे जो भी इफ्तारी करने आ रहा था या जो भी बाहर डोर पे आता था तो उसको मैंने अपनी तरफ से जूसेस दिए मैं हर रमजान में सता में कुछ ना कुछ जरूर देती हूँ क्योंकि मुझे खुशी भी होती है बल्कि मैं इससे ज्यादा करना चाहती हूँ तो इनशाला इससे ज्यादा भी करूंगी लेकिन जितना मैं कर सकती हूँ तो मैं वो इनशाला कर भी रही हूँ तो बस यहां पे देखें इफ्तारी का टाइम है जितने भी मजदूर थे क्योंकि आपको पता घर का कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है और भी कुछ जो लोगों को बुलाया हुआ था वो सब आ रहे थे बाकी जितना भी था ना वो बांट भी दिया था मोहल्ले में बांटा था गरीबों में भी बांटा था तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए अब बात कर लेते हैं ईद की शॉपिंग की जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ईद की शॉपिंग दिखाऊंगी ये जो आउटफिट है ना ये मेरा आउटफिट है ये मुझे उस्मान ने लेके दिया था बहुत ही खूबसूरत है जो ब्रांड है वो जे डॉट का ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर ना ब्रिक ब्रिक सी तार सी है जो शाइन देती है लेकिन बहुत ही अच्छी एक्स्ट्रा भी शाइन नहीं देती बिल्कुल कैजुअल भी आप इसको यूज कर सकते हैं ये जो सूट था ना मुझे पहली नज़र में इतना अच्छा लगा ना क्योंकि इसका प्रिंट बहुत अच्छा कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसकी जो स्लीव्स है ना इस पर लेस लगी हुई है फिर एक प्रिंट का पैच लगा हुआ है ठीक है नीचे फिर एक बिग लैस लगी हुई है इसका जो दामन है ना दामन पे देखे पहले लैस लगी हुई है फिर टिश्यू है ये टिशू प्लस नेट है ठीक है बिल्कुल टिश्यू भी नहीं कह सकते इसको नेट भी नहीं कह सकते फिर एक और प्रिंट का ये देखे पैच लगा हुआ है नीचे लैस लगी हुई है फ्रंट से और बैक से ये बिल्कुल सेम है और अगर इसकी नेकलाइन के बारे में बात कर ले नेक लाइन इसकी बिल्कुल सिंपल सी है ठीक है उसके ऊपर बर्ल वगैरह लगे हुए तीन पर्ल लगे हुए हैं एक टाइप के जो बटन होते हैं तो वो ओपन नहीं होते हैं वो वैसे ही लगे हुए हैं बैक साइड से भी मैंने आपको बताया था कि फ्रंट और इसकी बैक बिल्कुल सेम है और ऊपर से ये प्रिंट है ट्राउजर जो है ना इसका काफी खुला है जिसको आप बॉक्स ट्राउजर कह सकते हैं ना काफी खुला खुला सा है और नीचे गोल्डन कलर की ब्रीक सी लेस लगी है बाकी बिल्कुल ही सिंपल्स है और ये इसी तरह ही बहुत अच्छा लग रहा था और इसका ये जो दुबट्टा है ना ये भी कमाल का था शर्ट ट्राउजर के अलावा दुबट्टा भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था इसकी जो साइड्स पे टसल्स वगैरह लगे हुए हैं टसल भी ऐसे हैं जो जल्दी उतरने वाले नहीं है बहुत ही अच्छे और सिंपल से लगे हुए हैं और इसका दुबट्टा भी बहुत अच्छा हल्का हल्का सा इसके अंदर से भी शाइन निकलती है तो बहुत ही अच्छा इसका दुबट्टा और खुला दुबट्टा है और ये जो आउटफिट मिला है मुझे मेरी मम्मा की तरफ से मिला बहुत ही कूल कलर और ये कलर था भी मेरे पास नहीं तो ये है आइडियाज़ के प्रट में से ठीक है न्यू राइवल में है अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके जाके पता कर सकते हैं इसका जो लेफ्ट साइड है ना इस पर एक मोटिव बना हुआ है जिसपे एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ है और ये इसके स्लीव है अगर स्लीवस आप इस तरह की बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन लेके जाके अपने टेलर को दिखा सकते हैं इजिली बन सकता है अगर बात इसकी नेक लाइन की कर दी जाए ना तो इस पर एक मोती स्तारे वगैरह लगे हुए हैं लेकिन बहुत ही लाइट लगे बहुत ही

तो बिल्कुल मैच हो गया था सूट के साथ शर्ट के साथ दुबट्टा उन्होंने दिया था ट्राउजर तो था नहीं ट्राउजर सेपरेट ले लिया था इसका जो दुबट्टा ना ये भी कमाल का है मुझे अपने दोनों सूटों के जो दुबट्टे हैं ना बहुत अच्छे लगे वरना हम लोग तो होता ना शर्ट देखते हैं ट्राउजर देखते, देखते हैं दुबट्टे देखते ही नहीं लेकिन इस पर जो दुबट्टे थे लकली मुझे बहुत ज्यादा अच्छे मिल गए थे तो ये भी देखें यहाँ पे एक बड़ा सा मोटिव सा बना हुआ है ठीक है फ्लावर्स का जो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये जो टू पीस आउटफिट है ना ये मैंने खुद स्टिच करवाया है मुझे इसका प्रिंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा था टेलर ने बहुत अच्छा स्टिच करके दिया है तो ये ऑल ओवर है ठीक है शर्ट ट्राउजर बिल्कुल सेम है और इसके साथ जो ट्राउजर बनवाया ना बॉक्स स्टाइल ट्राउजर है थोड़ा सा खुला खुला सा बनवाया हुआ है आजकल फैशन में भी है ट्रेंड में भी है तो इनशाला ये जो लास्ट फ्राइडे आएगा रमजान का तो उस दिन इसको जरूर पहनूंगी तो मैंने कहा चले ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ अब बात कर लेते हैं आमना के आउटफिट की डे वन डे टू जब भी इसका दिल करे ये पहन सकती है यहाँ पे ये जो है ना चिकनकारी का सूट है जिसके ऊपर जैकेट बनवाई हुई है अंदर इसकी स्लिप है और जो इसके स्लीव्स हैं बिल्कुल सिंपल से बनवाए हुए हैं ये फोर टू फाइव बटन्स लगे हुए हैं थोड़े से फैंसी है एक्स्ट्रा फैंसी भी आपको पता बच्चों को सूट नहीं करते हैं क्योंकि ये जो सूट है फुल खुद ही हैवी बन रहा होता है तो इस पर एक्स्ट्रा क्या मतलब हैवी काम करवा सकते हो या कुछ लगवा सकते हो तो आगे से खुली जैकेट है इसकी और बैक साइड से ये देखें बहुत ही खूबसूरत है इसका जो कलर है ना आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल महरून सा कलर है तो ये आमना का डे वन डे टू जब दिल करे पहन सकती है और इसका जो ट्राउज़र है बिल्कुल सिंपल है और साथ ही आमना को दुबट्टों का भी शौक है कि मैंने दुबटे मैच लेने हैं तो साथ ही इसको दुबट्टा मैच कर दिया जिसके साइड्स पर टिसल वगैरह लगे हुए हैं आमना का ये जो सेकंड आउटफिट है ये सिंगल शर्ट है मैंने खुद वाइट ट्राउजर लेके टेलर को दिया वो इंशाल्लाह कल या परसों तक ट्राउजर मिल जाएगा ये इसकी नानो की तरफ से इसको ईदी मिली है ब्रांड जो है वो सफायर का है जो इसका प्रिंट है वो आगे से पीछे से बिल्कुल सेम है इसकी जो स्लीव्स है वो थोड़ी ऐसी डिफरेंट है जो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है और ये इसकी बैक साइड है फ्रंट और बैक जो प्रिंट है बिल्कुल सेम है जो स्लीव्स है ना वो तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है ये जो थर्ड आउटफिट है ना ये भी आमना को उसकी नानों की तरफ से मिला ईद पे तो ये लाइट पिंक सा कलर है आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा स्क्रीन पे तो ये देखिए इसके स्लीव्स पे भी ना लाइट एम्ब्रॉयडरी सी हुई हुई है इसकी नेक लाइन की जो डिटेल्स है उस पर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है नीचे तक दामन तक लाइट एम्ब्रायड्री है क्योंकि आपको पता है बच्चियों को लाइट एम्ब्रॉयड्री अच्छी लगती है जो हैवी एम्ब्रॉयड्री होती है वो हम जैसे लोग ही पहन सकते हैं तो बच्चियों को इस तरह लाइट लाइट सी अच्छी लग रही होती है तो ये बिल्कुल डिफरेंस है इसका आउटफिट है टू पीस है इसके साथ ट्राउजर मिला था ये जो आउटफिट है ना ये आमना का फेवरेट है आमना थोड़ी सी कंफ्यूज हुई है कि मैं इसको डे वन पे पहनू डे टू पे पहनू तो अब देखते हैं किस दिन आमना पहनती है क्योंकि थोड़ा सा इसको लेकिन कंफ्यूज सी है कि जो फर्स्ट मैंने आउटफिट दिखाया था वो पहनू कि ये पहनू तो देखते हैं अब उसकी क्या च्वाइस है क्या वेयर करती है वो और ये इसका ट्राउजर है ट्राउजर भी बिल्कुल सिंपल सा अब टन आ गई अहमद की ये भी उसकी नानों की तरफ से उसको ईदी मिली है ये बहुत ही अच्छा प्रिंट है जिसपे लीव्स वगैरह बने हुए हैं और अहमद को भी बहुत पसंद है मुझे ना सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम लगता है ना वो लड़कों की शॉपिंग करना लगता है पता नहीं क्यों वही डिज़ाइन होते हैं वही पेंट्स होती हैं वही पेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ बना होता है वही शर्ट्स के डिज़ाइन होते हैं तो बहुत मुश्किल काम होता है तो ये भी उसकी नानों ने उसको शलवार कमीज लेके दी है क्योंकि अहमद को शलवार कमीज पहनने का बहुत शौक है ये अहमद डे वन पे पहनेगा तो अब उसके पापा भी उसको कह रहे थे कि ठीक है मैं भी आपको फोर फाइव ना शलवारे कमीज़े जो है उसको स्टिच करवा के दे तो माशला बड़ा हो रहा है और उस्मान के साथ जुमा वगैरह भी पढ़ने जाता है तो उसको शलवारों कमीजों का बहुत शौक है तो उसकी नानो ने इसको लेके दिए यह है जे डॉट की जिसके पॉकेट के ऊपर ना बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हुई है साथ ही नीचे ये ट्राउजर है जिसपे अहमद बहुत ज्यादा हैप्पी है आउटफिट्स दिखाने के बाद अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं शूज़ की सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ आमना की ये बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल और आमना को तो बहुत ही पसंद है आमना जो है ना वो शूज़ को लेके बहुत चूजी है बहुत नखरे करती है मुझे इस तरह के शूज़ नहीं पसंद मुझे यहां से टाइट है मुझे ये कम्फर्टेबल नहीं है तो जब भी शूज़ लेने होते हैं मैं आमना को खास साथ लेके जाती हूँ कि ये पहन के खुद देख ले अगर ये कम्फर्टेबल है तभी लेंगे तो ये जो शूज़ है ना बहुत ही लाइट वेट है और आपको पता हर आउटफिट के साथ मैच भी कर जाते हैं तो ये आमना को बहुत ज़्यादा पसंद थे और कम्फर्टेबल भी बहुत थे और ये रहे अहमद के सैंडल जो अहमद ने खुद चॉइस किए हैं अहमद को पिशावरी चप्पल और सैंडल बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो इजीली ना वेयर हो जाते हैं इजीली पहने जाते हैं बूट्स की नस्बत तो वो यही कहता है मुझे सैंडल चाहिए मुझे पिशावरी चप्पल चाहिए तो आपको पता है विंटर्स में तो फिर बूट्स ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं जोगर्स वग़ैरह अच्छे लग रहे होते हैं तो जिस तरह से समर आई थी उसने मुझे सबसे पहले यही कहा था मैंने अब सैंडल लेनी है या पिशावरी चप्पल लेनी है तो अभी जो पिशावरी चप्पल उसकी ड्यू है तो इनशाला वो भी उसको लेके दूंगी बहुत जल्द तो अभी सैंडल लेके आई थी मैं इसके लिए और ये रहे मेरे शूज मुझे आजकल ना इस कलर्स का बहुत ज्यादा क्रेज हुआ हुआ है मुझे आउटफिट्स में हो गए शूज में हो गए या मुझे हैंड बैग में हो गए ये जो कलर है ना पीच सा कलर है बहुत ही प्यारा सा कलर है ठंडा ठंडा सा कलर आजकल मुझे ना इसका बहुत ज्यादा ना शौक चढ़ा हुआ है कि मैं ये लूं तो आपको पता ये भी एक ऐसा कलर है कि हर आउटफिट्स के साथ अच्छे लगते हैं तो बस मैं ये लेके आई थी अभी मैंने मैच इसको किसी के साथ नहीं किया लेकिन इसके कलर की वजह से मैंने इसको बाय किया और ये भी आमना के शूज़ हैं बहुत ही अच्छे बहुत ही कंफर्टेबल हैं जब आमना ने इसको ट्राई किया था ना तो कहती मामा मैंने यही लेने बहुत ही कंफर्टेबल है बहुत ही सॉफ्ट है तो ये आमना कैजुअल भी पहन सकती है कहीं आने जाने के लिए भी पहन सकती है जो इसका कलर ब्लू है ना आमना को अच्छा लग रहा था इसमें ब्लैक भी था वाइट भी था तो आमना कहती है, मैंने ब्लू ही लेना है और ये ब्लैक कलर मैंने अपने लिए लिया है ये मैंने कैजुअल आने जाने के लिए लिया है क्योंकि मेरे पास शूज़ अब नहीं थी कुछ ख़राब हो गई थी कुछ बस पहन पहन के बोर हो गई थी तो ये भी बहुत ही लाइट वेट और कम्फर्टेबल शूज़ है। अगर आपको मेरी ईद की शॉपिंग अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक जरूर कीजिएगा अपना ख्याल रखें तो में याद रखें अलाफि